जी वेलकम बैक जी गुरु प्यारे संगत जी, असं पहुँच गए इस वे पिशावरी सिंह के ऑफिस के बाहर। पिशावरी सिंह के ऑफिस के बाहर असी पहुँच के तो कह लो तुम कि संगत साढ़ा ऑलरेडी वेट कर रही ने। असी बकायदा तौर के उ शाम के 5 बजे का टाइम दिता हुआ कि दीवान सज्जन तो पहले पहले असी जो सेवा है अपनी रेडियो साढ़े वाला की तरफों लैके आए हाँ वो उस संगत तक जोड़े लोग इंजर्ड हुए ने या जोड़े लोग शहीद हुए हैं कुल मिला के 27 पीपल ने 27 लोग ने उन्हां दी सेवा लैके असी रेडियो साढ़े वाला दी तरफों असी अज पहुँचे हाँ पिशावर शहर के अंदर। तो असी हुण चलने अंदर और अंदर असी जाके तो डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है वो असी आपां शुरू करते हाँ। आओ जी हाँ जी जी जिहड़े लोग शहीद हुए ने उन्हां दे परिवार और जिहड़े लोग इंजर्ड हुए ने उन्हां दे परिवार सारे इत्थे इस वेले मौजूद हुए ने। बहुत ही एक दुखदायक मामला सी, कह लो तुसी कि 3 तरीक नूं होया और अज तकरीबन 19 तारीख हो रही है तो सानूं 16 दिन गुजर गए ने। बहुत ही पेनफुल है, जिहदे विच कह लो तुसी कि मेरे 2 करीबी दोस्त भी सन। बहुत घट लोग जाते हैं कि सब कई लोग पुछते ने मैनू कि तुहाडे करीबी दोस्तों के तो जिस तरह हुण कह लो तुसी मेरे नाल अक्सर तुसी देखा होगा चरणजीत नूं देखते हुंदे सी, बलबीर नूं देखते हुंदे सी, बाबा गुरपाल नूं देखते हुंदे सी। तो इन्हां दे नाल नाल ही इन्हां दी विसासत दे नाल अगे मेरे होर 5-4 दोस्त जिहड़े सन वो बने हुए सन। उस वेले मैनूं सब तो ज़्यादा तकलीफ हुई जदों कि मैनूं पता लगा कि एक साढ़े वीर सन जिन्हां नूं मैं चाहना सा कि सिख संगत दे विचों लैके तो उन्होंने जोड़ा मॉडलिंग वाली लाइन च लैके आया जाए क्योंकि उन्हों का फिगर उन्हों की बॉडी लैंग्वेज और उन्हों का फेस इस काबिल हैगा सी कि मैं उन्होंने मॉडलिंग लाइन के इंट्रोड्यूस करवाना चाहना सा। लेकिन रब सोने जो मंजूर है लास्ट 558 आगमन पूरब के उत्ते बाबा गुरु नानक साहब के मुलाकात हुई मिले बड़ा कुछ होया वो गल्लां इंज रिपीट हुंदियां रहियां ने कि 5 दिन तक तो मैनूं मेरियां अखां दे आंसू जिहड़े सन वो सुक नहीं सी पा रहे क्योंकि सब नूं पता है कि जदों मैं रिसर्च शुरू कीती है 10 साल पहले तो उस वेले मैं पिशावरी सिंह तो ही अपनी स्टार्ट लई सी और पहला काम मेरा जिहड़ा सी पिशावरी सिंह दे नाल सी। तो इंज ही समझ लो कि जिन्नी पुरानी मेरी रिसर्च है उन्नी ही पुरानी मेरी इस संगत दे नाल मेरा प्यार है। तो एक वक्त है कह लो तुसीं कि जिहदे विच गुरु प्यारी संगत जी अगे वध के कुछ करन दा वेला है, ना कि सिर्फ अफसोस और इन्ना कह के वाहेगुरु जी का पाणा है बस जो वरत गया वो हो गया ठीक है। लेकिन जिहड़े शहीदां दे परिवार ने जिहड़े इंजर्ड्स ने उन्हां दे परिवार जिहड़े ने वो किस तकलीफ नाल गुजर रहे ने जां उन्हां नूं की मामला तो उन्हां नाल गुजर रहे ने घट्टो घट गुरप्यारी संगत जी तुहानूं सब नूं इस चीज़ नूं देख रेख करनी चाहीदी है और तमाम संस्था जिहड़ियां ने वर्ल्ड लैवल दियां उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दे उत्ते ध्यान देना चाहिए। साढ़े नाल मौजूद ने इस वेले पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहिब सिंह आए हुए हैं, फिर उस तो बाद इतने अपना बलबीर सिंह जिहड़े कि बच्चों गुरमुखी की क्लास लेंदे ने और काफ़ी देर तो अपनी सेवा निभा रहे हैं, होर भी बड़े वीर विच बैठे हुए हैं नामी ग्रामी जिन्हें जिहड़े संगत दे विच अपनी अपनी ड्यूटी जिहड़ी है काफ़ी अरसे तो निभा रहे हैं। तो कोशिश करांगे कि असी किसी की तकलीफ नूं घट नहीं कर सकते लेकिन जिथे तक हो सकता है अपने ताई हर इंसान नूं छोटी छोटी हेल्प करने की लोड़ है। जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ETBP बोर्ड ये वध के उस वेले अगे आए जदों इह भाणा वरतिया ननकाना साहिब तो जाते हुए ट्रेन का जिहड़ा हादसा सी जिहदे विच कह लो तुसी कि 22 संगतां जिहड़ियां ने उहनां दी मौके दे उत्ते ही डैथ हो गई सी चूड़काना सच्चा सौदा साहिब जाते हुए। तो उत्थे जिहड़ा सब तो पहले पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ETBP बोर्ड जिहड़ा साडा उन्होंने मिल के फौरी तौर दे उत्ते सब तो पहले यह किया कि उत्थों डेड बॉडीज़ इकट्ठियां करके हॉस्पिटल तो फिर लाहौर उन्होंने ताबूत बना के फिर उस तो बाद C-130s और फिर 1122 की एम्बूलेंसिस करके मैं कहांगा कि एक बहुत वड्डी एक सेवा सी। और उस टाइम दे विच मैं कहांगा कि इस तरह अचानक एडे वड्डे पानी नाल वर्तावा करना बहुत कोई आसान काम नहीं सी। तो मैं उन्हों का भी शुक्रिया अदा करांगा कि उन्होंने सारे दोस्तों ने मिलकर दिन रात एक करके और सुबह 3 बजे जिहड़ियां डेड बॉडी सन इत्थे पिशावर दे पहुंचियां। मैं आप जी नाल सारी डिटेल्स पहले भी सांझी करदा रहा वा, गलबात करन दा मकसद सिर्फ यह हुंदा है कि उन्हां लोगों ट्रिब्यूट देना, उन्हां लोगों श्रद्धांजलि देनी
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੀ ਹੋ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ? ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। 20 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਔਰ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਫੁੱਫੋ, ਭੈਣ, ਬਹਿਨੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੁਰਾਣ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਨੇਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੀਬਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਮਹੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ
ਮਹੰਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਨ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਜੀ ਮਹੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਹੰਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਬਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੈ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਅਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਭਜਨ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਆਪਕੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾਨ ਕੌਰ ਦੀਦਾਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਸ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਘਰ ਦੇ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੋ ਤਮਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕੋ ਕਾ ਆਉਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਆਪਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਨਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਇਹ ਫਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਦਦ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈਲਪ ਕੀ ਜਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
इन्हों का स्कूल नहीं दिखाया तो समझते कि पाकिस्तान के बच्चे जोड़े ने उन्होंने गुरमुखी नहीं आती है या वो बचपन के ही गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना नहीं सीखते, लेकिन पाँच साल की क्लास के गुरमुखी और नाल ही गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना सीखते हैं। बकायदा एग्जाम्स होंगे ने फस्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के जोड़ा वो सारी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं और डेली 2 बजे तो लैके 5 बजे तक उन्होंने क्लास होंगी है। बाकी असी जी गल है वो उस्ताद जी ने करने उस्ताद जी सन दसणगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं साढ़े आला रेडियो चैनल का शुक्रिया अदा करता हाँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हाँ कि आप दे ताउन दे नाल जिन्हें पीड़ित फैमिलिया ने सब दा आपने मदद किया, मैं सब दा शुक्रिया अदा करता हाँ। 3 जुलाई नो शेखापुरा विच जेड़ा हादसा वापरिया सी, ये पाकिस्तान दे तारीख विच पाकिस्तान दे सिक्का उते सब तो वड़ा हादसा होया सी। उस हादसे तो बाद पाकिस्तान दे जिनी भी कम्युनिटियां ने, चाहे वो मुस्लिम ने, क्रिश्चन ने, हिंदू ने, सब ने हमारे साथ ताउन किया, मदद किया। मैं सब तो ज़्यादा मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान दा शुक्रिया अदा करता हाँ, पंजाब गवर्नमेंट दा भी शुक्रिया अदा करता हाँ कि मौके ते सारी फैसिलिटी जेड़े पीड़ित लोग ने उन्होंने दीती, शहीदा नू जो है हर किस्म दी सहूलियत दीती, जेड़े इंजर्ड लोग सी उन्हां दा हर तरह दा तावन उन्होंने किया, ते हले तक वो सारे इंजर जेड़े है वो हॉस्पिटल विच है, उन्होंने हर तरह की मदद कर रहे ने। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ सब दा, मैं शुक्रिया अदा करता इतने दे जोड़े जेड़े लोकल लोग ने उन्होंने भी शुक्रिया अदा करता हाँ, क्योंकि सानू अज पता चला कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, तो इतने जो भी होंदा है सब गम हो खुशी हो असी मिल के जो है वो आपस विच कर देने। इस मौके ते साढ़े जेड़े आस पास जेड़े गवांडी लोग ने सब साढ़े पास आए थे इजहार अफसोस किया, मैं सब दा शुक्रिया अदा करता हाँ। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सानू ये उम्मीद दिता ते अनाउंसमेंट की थी कि जेड़े भी पीड़ित परिवार ने उन्हां दा हर तरफ दा मदद असी करांगे ते असी तैयार है, जेड़े जख्मी है उन्हां दा भी असी हर तरह मदद करांगे। ते मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ क्योंकि इतों दे जेड़े लोकल लोग ने इतों दे जेड़ा गवर्नमेंट ने वो हर तरह दा साढ़े नाल जेड़ा है वो मदद कर रहे ने। ते मैं बाकी जेड़ी बाहर संगत है उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करता हाँ कि जेड़े पीड़ित लोग है उन्होंने उन्हां दी मदद की थी, ते मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ। ते सानू ए खुशी है कि पाकिस्तान दी गवर्नमेंट हर वक्त साढ़े नाल शाना बशाना खड़ा रहिंदी है, ते सानू ज़रूरत ही नहीं महसूस होंदी कि असी किसी होर दे पास जाइए ते कुछ कहिए जी। शुक्रिया। ये सन जी उस्ताद बलबीर सिंह जी और इन्होंने बहुत कुछ समझ लो कि कह लो कि इत्थे अगर मोहल्ला जोगन शाह दे विच स्कूल की गल की जाए, जिस तरह कि मैं गल कर रहा कि एजुकेशन के मुतलक तो इन्होंने इन्हों की बहुत वड्डी देन है और नाल दी नाल ही सोशल एक्टिविस्ट भी ने, थानू फेसबुक पर भी मिलणगे और हर छोटे नैटवर्क के उत्ते भी थानू मिलणगे अपनी कम्यूनिटी नू हाईलाइट करते हुए। ये उही वक्त है कि जो 2014 दे विच जो बेस रखी सी असी पिशावरी सिंघ की, तो उस वेले असी सिर जोड़ के बैठे सी कि की कीता जावे कि दुनिया नू पता लगे कि पाकिस्तान दे विच भी सिंघ वसदे ने। ठीक है जी, सिंघ जिथे भी बचे वसेगा वो चढ़दी कला दे विच होएगा। चढ़दी कला दे जिहड़े सिंघ ने वो पूरी दुनिया दे विच इस वेले हर पार्लीमेंट दे विच बैठे हुए ने, कि कैनेडा, कि अमरीका, कि आस्ट्रेलिया, कि न्यूजीलैंड, मैं जिथे जिथे गया पूरी दुनिया दे विच मैनूं हाई रैंक्स दे उत्ते बैठे हुए सारे सिंघ नज़र आए। मैं उन्हां सारयां दा ध्यान इस सारी जिहड़ी संगत है एक वारी दिखाओ, इस सारी संगत वाले एक बार मैं करवाना चाहना वा। यह दुखदायक जिहड़ा वाकया है उहदे पिछे मैं एक तुहाडी नज़र करवाना चाहना वा कि तुसीं देखो कि किन्ने घर जिहड़े ने वह सुनसान हो गए ने, किन्ने घरां दे जिहड़े बच्चे ने वह अपने पेरेंट्स तो जुदा हो गए, किन्नियां भैणां अपने भरावां तो हो गईआं, किन्ने प्यो अपने पुत्तां तो हो गए, किन्नियां मावां अपने पुत्तां तो हो गईआं और किन्नियां भैणां अपने भरावां तो जुदा हो गईआं इस वाकये तो बाद। तो मैं यही कहांगा कि जिथे तुसीं बहुत वड्डियां वड्डियां संस्थावां चलांदे हो उत्थे तुसीं पाकिस्तान दी जिहड़ी संगत है उहदा भी ध्यान रख्या करो। खास करके मैं एजुकेशन दे हवाले नाल पहले भी गल कीती सी, हुण भी गल करांगा कि जिहड़े
साढ़े जिहड़े बैठे फॉरन च बैठे हुए साढ़े भैन भरा ने प्लीज़ जिहड़े बच्चे जिहड़े ने सारे पढ़ रहे ने स्टूडेंट्स ने इत्थे और इन्हां दे विच वी ओह पोटेंशियल हैगी है जिहड़ी कि कह लो तुसीं कि कैनेडा च बैठे हुए सिंघां च या अमेरिका दे विच है या ईस्ट पंजाब दे विच है या आस्ट्रेलिया विच या न्यूजीलैंड दे विच जिहड़े हाई रैंक्स दे बैठे हुए ने इन्हां दे अंदर वी ओह पोटेंशियल मौजूद है। प्लीज़ इन्हां नूं हाईलाइट करन दी लोड़ है, इन्हां नूं एजुकेट करन दी लोड़ है जिहड़ी कि मैं कहांगा कि पाकिस्तान दे अंदर रहिंदे हुए वसाइल दे विच ते आ करदे ने लेकिन जदों तक हाथ नूं हाथ ना फड़िया जाए बाह नूं बाह ना और मोढ़े नाल मोढ़ा ना लाया जाए तो मेरा ख्याल है हर बंदा ही कल्ला हुंदा। सो मेरी आप जी तो सब तो हाथ जोड़ के बिनती है कि साड़ी संगत नूं एजुकेशन दे विच अगे लेके आओ। तुसी जिहड़े लोग बाहर बैठे हो अक्सर पुछदे ने कि बाबा जी असी की करिए ते तुहाड़ा बाबा तुहाडे तो एक ही रिक्वेस्ट करता है कि ये जिहड़े बच्चे बैठे हुए ने जिहड़े पढ़ के टू प्लस करके या ग्रैजुएट करके वेले हुंदे ने इन्हां नूं अगे पढ़ाउण दा कोई प्रबंध करो, कोई ऐसी सेवा सोसाइटी ऐसी जोड़ो जिहदे नाल ये बच्चे जिहड़े ने फॉरन च जाके अपनी सर्विसिज देण ताकि ये जिहड़े परिवार ने जिहड़े माड़े घर ने इत्थे जिहड़े कि बड़ी मुश्किल नाल समझ लो कि इत्थे तक पहुँचे ने सरवाइव करदे ने बेशक इहदे विच बहुत वड्डे वड्डे बिजनेसमैन भी ने डॉक्टर्स भी ने सारे ने लेकिन हर घर का हाल एक जैसा नहीं है। सो प्लीज़ तुहाडे तो रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जिहड़े हाईली एजुकेटेड क्योंकि फॉरन जिहड़ी लिटरेसी है उहदा रेट तुहानूं पता है ज़रा ज़्यादा मन्निया जाता है तो सो इन्हां बच्चों नूं एजुकेट करन वास्ते कुछ ऐसा किया जाए जिहदी वजह नाल यह बच्चे जाके इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते जिस तरह कि पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा खालसा पंथ है सरबत दा भला मंगदा है सरबत दी सलामती मंगदा है तो ये अगे वध के ये अपनी उस सेवा दे विच अपना योगदान पाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।